अक्साई चीन 1950 से चीन और भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। चीन ने 1957 के आसपास इस क्षेत्र से होकर एक सड़क बनाई थी जो कि अक्साई चीन से होकर गुजरती है। इस कारण चीन ने इस क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। भारत का दावा है कि चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। भारत का दावा है कि कब्जाया गया क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अक्साई चीन का इतिहास क्या है और अक्साई चीन को लेकर 1962 का युद्ध कैसे हुआ था, हम इस वीडियो में यही जानेंगे। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अक्साई चीन मुख्य रूप से चीन में यिंगजियांग स्वायत्त क्षेत्र में होटन काउंटी का हिस्सा है। अक्साई चीन तिब्बत के पठार का दक्षिण पश्चिम विस्तार है। अक्साई चीन में बंजर, ऊंचे अलग थलग और ज्यादातर निर्जन मैदान हैं, जो कि कराकोरम रेंज से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर और कुनलुन पर्वत से उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का दावा है कि अक्साई चीन का चीनी कब्जे वाला हिस्सा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। अक्साई चीन समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 37,244 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से का यह बड़ा क्षेत्र 1950 से चीनी कब्जे में रहा है। चीन ने प्रशासनिक रूप से इसे शिनजियांग प्रांत के कारगिलिक जिले का हिस्सा बना दिया है। अक्साई चीन क्षेत्र में जलवायु ठंडी और शुष्क है, जो जुलाई और अगस्त के गर्मियों के महीनों में यहाँ बारिश होती है। अक्साई चीन का मुद्दा भारत और चीन के बीच सन 1950 से ही लड़ाई की जड़ बना हुआ है। इस क्षेत्र में सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसलिए भारत के सैनिक भी इस क्षेत्र में 1955 तक गश्त लगाते थे। लेकिन 1957 में चीन ने इस इलाके से गुजरती हुई सड़क बनाई जो कि तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ती है। इस सड़क के बनते ही चीन ने अक्साई चीन के हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया, जिसका भारत ने विरोध किया था और इसी विवाद के कारण भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई हुई थी। अक्साई चीन मुद्दे पर चीन और भारत ने 1962 में एक संक्षिप्त युद्ध लड़ा, लेकिन 1993 और 1996 में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध के समापन पर चीन ने अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियंत्रण बनाए रखा। यह क्षेत्र अब तक दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। अक्साई चीन क्षेत्र बंजर, अलग थलग और ज्यादातर निर्जन क्षेत्र होने के कारण का क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित था। संसद ने एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह जमीन तो बंजर थी, हम लोग उसका क्या करते, बंजर जमीन के लिए हिंदी चीनी भाई भाई के संबंध को क्यों खतरे में डालना। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सवाल के जवाब में कहा कि 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पाकिस्तान ने POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को चीन को दे दिया था। अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के कुल क्षेत्र का 15% हिस्सा है, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। भारत का कहना है कि अक्साई चीन सहित पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जबकि चीन ने हमेशा दावा किया है कि अक्साई चीन शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र है। भारत जहां एक तरफ दावा करता है कि चीन ने उसके 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कब्जा लिया है, वहीं चीन का दावा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। इस तरह से ये स्पष्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी जटिल मुद्दा है और आसानी से यह मुद्दा सुलझता नहीं दिखता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अक्साई चीन के बारे में समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।